Yes, hello everyone, Hitesh here. Today, we're gonna talk about the movie Interstellar. ये movie मेरी series ODEX, यानी कि On Demand Explanation की 7th movie है. And this movie's special demand on Ravi. And Ravi, if you are watching this movie, then this is for you. Interstellar movie एक बहुत ही शानदार मगर थोड़ी सी complicated movie है. यहाँ पर मैंने complicated word का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जब हम ये movie देखते हैं तो हालांकि एक बार में ये movie हमें समझ में तो आ जाती है, लेकिन कुछ कुछ एक ऐसी theories होती है जिसकी वजह से हमें ये movie एक बार फिर से देखनी ही पड़ती है. सो इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज आप सभी के लिए इस मूवी का एक शानदार एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ. इस मूवी में स्पीड ऑफ टाइम, वॉर्म होल, ब्लैक होल और साथ ही बाइनरी कोड्स को दिखाया गया है और साथ ही न्यूटन की ग्रेविटी की थ्योरी पर भी फोकस किया गया है. इस कहानी का मेन कैरेक्टर है कूपर, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है. पहले कूपर नासा में एक पायलट हुआ करता था, मगर अब वो वहां पर काम नहीं करता. अब वो एक किसान है जो कि खेती का काम किया करता है. और इसका मेन रीजन ये है कि दुनिया को अब वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि खेती यानी कि किसानों की जरूरत है. अब काफी साल बीत चुके हैं और ये मूवी काफी समय आगे की है, जहां पर तूफान आए दिन आते रहते हैं जिसकी वजह से इन खेतों और फसलों को नुकसान होता रहता है. और यही रीजन था कि अब कूपर ने मक्की की खेती करना शुरू कर दिया था. एक रीजन ये भी था कि धरती पर 7 साल पहले गेहूं और ओकरा उगना भी बंद हो चुका था, इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ में किसान की जिंदगी जी रहा था. कूपर के 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम मर्फ जो कि पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार है और दूसरे बच्चे का नाम है टॉम जो कि थोड़ा एवरेज है. वहीं पर हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है और मर्फ बताती है कि मेरे कमरे में जो बुक शेल्फ है उससे पता नहीं क्यों मगर ऑटोमेटिकली बुक्स कभी कभार यूं ही गिर जाती है. मर्फ को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में भूत है. तब वहां पर कूपर कहता है कि नहीं, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती. तब मर्फ कहती है कि मुझे तो कभी कभार लगता है कि वो भूत और कोई नहीं, वो आप खुद हैं. लेकिन तब कूपर उसे समझाता है कि ये सारी बातें फिजूल की है, तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत लगाओ, तुम भूत और साइंस को कनेक्ट कर रही हो. तब वहां पर मर्फ कहती है कि आपने तो कहा था कि साइंस का काम होता है उन चीजों को एक्सप्लोर करना जिसे लोग ठुकरा देते हैं, और आज आप ही इन बातों को फिजूल बता रहे हैं. तब वहां पर कूपर कहता है कि अगर तुम्हें इन दोनों के बीच में कनेक्शन बिठाना ही है तो मेरे पास में तुम्हारे लिए एक एडवाइस है. तुम्हारे कमरे में जो भी हो रहा है तुम उसे ऑब्जर्व करो, उसे ध्यान से देखो, उस पर फोकस करो, समझने की कोशिश करो कि आखिर जो हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है. अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरी फैमिली बैठकर एक बेसबॉल का मैच देख रही होती है और तभी वहां पर जोर जोर से सायरन बजने लगता है. इसके पीछे का रीजन होता है कि वहां पर तूफान आने वाला होता है और देखते ही देखते उस ग्राउंड के अंदर एक बड़ा सा तूफान आ भी जाता है. इस समय धरती पर तूफान आना एक आम बात हो चुकी थी. अब तूफान आ जाने की वजह से मैच को रद्द करना पड़ता है. अब जब कूपर अपने घर पर पहुंचता है तो उसका घर पूरा धूल से सना होता है और साथ ही उसे मर्फ के कमरे में धूल से कुछ लाइनें बनी हुई दिखती है. तो वो इन लाइनों को देखकर सोचता है कि आखिर ये लाइंस कैसे बनी. तब वहां पर मर्फ अपने पिता को कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि इस घर में जरूर कोई ना कोई भूत है, मगर आप मेरी बात को कभी नहीं मानते थे. कूपर उन लाइंस को गौर से देखने लगता है और तब वो मर्फ को कहता है कि आज रात मैं यहीं पर बिताऊंगा, तुम जाकर अपने भाई के साथ सो जाओ. कूपर रात भर उन लाइंस को देखता रहता है. उसके पास में एक कॉपी और एक पेन भी होती है और वो अपनी रात उसी लाइंस को देखकर सोचते हुए बिता देता है. उसके बाद सुबह हो जाती है और मर्फ अपने पिता के पास में आती है. तब वो देखती है कि उसके पिता रात भर उन लाइंस को देख रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बुक शेल्फ से बुक्स क्यों गिर जाती है और साथ ही जमीन पर इन लाइंस का मतलब क्या है. तब वहां पर कूपर बताता है कि बुक शेल्फ से हमेशा बुक्स इसीलिए गिर जाया करती थी क्योंकि ग्रेविटी उन्हें खींच रही थी. और तभी उसका सबूत देने के लिए वो एक सिक्का उछालता है और सिक्का भी धूल से भरी लाइनों के सीधा ऊपर जाकर गिरता है. इसका मतलब ये था कि उस कमरे का ग्रेविटी फोर्स ज्यादा था. और तब जाकर कूपर को ये पता चलता है कि ये एक मैसेज है जो कि बाइनरी कोड्स के थ्रू हम लोगों को भेजा गया है. बाइनरी कोड्स वो भाषा होती है जो कि किसी कंप्यूटर और या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर किसी मैसेज को सेंड या रिसीव करने में काम में आती है. आम भाषा में हम एक दूसरे से मैसेज के थ्रू संपर्क करते हैं. अगर हमें किसी को कुछ बताना होता है तो हम अल्फाबेटिकल और या फिर न्यूमेरिक्स की मदद लेते हैं, मगर बाइनरी कोड्स के अंदर ये सारी भाषा 1 और 0 में होती है. 1 का मतलब था मोटी लाइन और 0 का मतलब था पतली लाइन. अब कूपर उस मैसेज को डिकोड करता है और जैसे वो उसे डिकोड करता है तो उसे एक लोकेशन के बारे में पता चलता है और इसी के साथ वो दोनों उस लोकेशन पर भी पहुंच जाते हैं. मगर जब वो दोनों वहां से अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर उस जगह की सिक्योरिटी आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ में ले जाती है. वो कूपर को एक अलग कमरे में और साथ ही मर्फ को एक अलग कमरे में बिठा देते हैं और तब वहां पर सिक्योरिटी आती है.
और कूपर से ये पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला, ये जगह का लोकेशन आखिर तुम्हारे पास में कहां से आया, हमें सच बताओ। इस साइंटिस्ट का नाम होता है एमिली और तब वो कूपर को एक बड़े से हॉल में लेकर जाती है जहां पर काफी सारे लोग बैठे होते हैं। उन सभी लोगों में एमिली के पिता प्रोफेसर बैन भी शामिल होते हैं और साथ ही कूपर को वहां पर अपनी बेटी मर्व भी मिल जाती है। तब वहां पर सभी लोग अगेन कूपर से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हें इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ये एक बहुत ही खुफिया लोकेशन थी, इसके बारे में पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों को पता था। तभी मर्फ वहां पर बोलती है कि हमें इस जगह के बारे में ग्रेविटी के फोर्स से पता चला, लेकिन वहां पर बैठा एक इंसान इस बात पर शंका जताता है और वो उससे अगेन पूछता है कि ये सब फिजूल की बातें हैं, हमें सच सच बताओ कि आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। उसकी इस धमकी भरी बातों को देखकर कूपर काफी डर जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, बस मुझसे ये वादा करो कि तुम मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से जाने दोगे। तब वहां पर प्रोफेसर बैन उन्हें शांत करवाता है। एक्चुअल में प्रोफेसर बैन और साथ ही कूपर दोनों कभी नासा में एक साथ काम किया करते थे, इसीलिए कूपर और साथ ही प्रोफेसर बैन साइड में आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए निकल जाते हैं। कूपर के मुताबिक अब नासा ऑर्गेनाइजेशन बंद हो चुकी है और साथ ही नासा जैसी कई और भी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि स्पेस के प्रोग्राम्स पर काम किया करती थी वो सब कुछ भी अब बंद हो चुका है और इसके पीछे का रीजन है उनका बजट, क्योंकि अब जो समय आ चुका है इस समय लोगों के पास में खाने तक का पैसा नहीं है और अगर लोग नासा जैसे बड़े स्पेस प्रोग्राम के अंदर अपना पैसा लगा देंगे तो ये बात आम जनता को खलेगी। इसी वजह से ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बंद करवा दिए गए, मगर आज भी ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इसने अपना काम करना बंद नहीं किया है और ये ऑर्गेनाइजेशन भी नासा के इंटरनली ही आती है। तब वहां पर प्रोफेसर बैन बताते हैं कि कूपर अब इन कई सालों में इस धरती पर गेहूं उगना बंद हो चुका है और साथ ही अगर ऐसा चलता रहा तो थोड़े टाइम के बाद में इस धरती पर कोई भी अनाज नहीं बचेगा और अगर ऐसा हुआ तो धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो कूपर उनसे कहता है कि क्या कोई तो रास्ता होगा जिससे हम वापस से अपनी फसलों को उगा सकें, ऑक्सीजन की मात्रा अगेन इस धरती पर बढ़ा सकें। मगर तब वहां पर प्रोफेसर बैन कहते हैं कि नहीं कूपर, हमें इस धरती को बचाना नहीं बल्कि इस धरती को छोड़कर जाना होगा। और साथ ही वो कूपर को ये भी बताते हैं कि अंतरिक्ष में एक एंड्योरेंस नाम का एक स्पेसशिप मौजूद है जिसमें इतना फ्यूल भरा है कि वो गैलेक्सी में जाकर और धरती की जैसी सेम टू सेम रहने लायक दुनिया को ढूंढ सकता है। हमारे पास अभी भी कुछ रॉकेट्स हैं जो हमें उस स्पेसशिप तक पहुंचा सकते हैं। बातों ही बातों में वहां पर बैन कूपर को ये भी बताते हैं कि आज से 48 साल पहले सैटर्न ग्रह के पास में एक वॉर्म होल अचानक से ही खुल गया था। इसकी मदद से हम किसी भी गैलेक्सी में कम से कम समय के अंदर पहुंच सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है जिसके अंदर असंख्य तारे और अरबों खरबों ग्रह हैं और इसी मिल्की वे की तरह इस पूरे ब्रह्मांड में और भी कई सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं। इंसान को वहां तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे मगर इस दूरी को हम वॉर्म होल के थ्रू कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको वॉर्म होल के बारे में बताना चाहूंगा। वॉर्म होल बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी थी। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक इंसान को एक पहाड़ से उसी पहाड़ की दूसरी छोर पर जाना होगा तो उसे काफी घंटे लग जाएंगे उस पहाड़ के इर्द गिर्द घूमकर दूसरी ओर तक पहुंचने में, लेकिन अगर यही वो इंसान उस पहाड़ की सुरंग में चला जाए तो वो सुरंग के जरिए कुछ ही मिनटों में उस पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच सकता है। और यही सेम काम वॉर्म होल करता है पूरे अंतरिक्ष में। अगर हम वॉर्म होल का एक छोर ढूंढ लें तो वो हमें दूसरे छोर तक कुछ ही मिनटों में पहुंचा सकता है। और साथ ही बैन कूपर को ये भी बताते हैं कि जरूर कोई ना कोई भविष्य आई हुई टेक्नोलॉजी और या फिर कोई एक ऐसी बात है जो हम सभी को प्रेरित कर रही है दूसरी गैलेक्सीज को ढूंढने के लिए। अभी तक हम टोटल 13 लोगों को वॉर्म होल के थ्रू अलग अलग गैलेक्सीज को ढूंढने के लिए भेज चुके हैं। उन लोगों का काम है पूरी गैलेक्सी में ऐसे ग्रहों को ढूंढना जो कि हमारी धरती की तरह सेम टू सेम हो, वहां पर रहने के लिए हवा पानी भी हमें मिल जाए और साथ ही वो धरती से ज्यादा दूर भी ना हो। उन सभी के साथ में हमने एक रोबोट भी भेजा है। जब वो वहां पर पहुंच जाएंगे और अगर उन्हें ऐसा कोई ग्रह मिल जाएगा तो वो सिग्नल को ऑन कर देंगे जिसकी मदद से हमें यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगा कि उन्हें उस ग्रह का पता चल गया है। अब जो अंतरिक्ष में टोटल 13 लोगों को भेजा गया था उसमें से 3 के सिग्नल उन्हें मिल चुके थे। इसका मतलब ये है कि 3 ग्रह अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो ज्यादा दूर नहीं है, मगर हम लोग उन तीनों से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना सिग्नल नहीं है। हमें बस ये पता चला है कि ग्रह एग्जिस्ट करता है मगर क्या उसकी आबोहवा, क्या उसका जलवायु हमारी दुनिया के मुताबिक है या नहीं, इस बात का पता करना जरूरी है। और इसलिए अब एक टीम बनाई जा रही है जिसके अंदर वो पूरी टीम उन तीनों ग्रह तक जाएगी और वहां पर जाकर ये मालूम करेगी कि आखिर उन तीनों में से कौन सा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी के जैसा ही हो।
जहां पर इंसानी जीवन को फिर से जगाया जा सके। अब यहां पर प्रोफेसर बैन कूपर को एक बात और बताते हैं कि उनके पास में दो आइडियाज हैं। आइडिया नंबर वन, अगर उन्हें एक ऐसा ग्रह मिल जाता है जो कि बिल्कुल पृथ्वी की तरह है, तो वो अपने एक बड़े से स्पेस शटल को पूरी तरीके से धरती से उस ग्रह पर ले जाएंगे, जहां पर वो काफी सारे लोगों को बचाकर इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। जिस जगह वो बेसिकली खड़े हैं वो कोई बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक स्पेस शटल ही होता है, मगर वो इतना बड़ा होता है, इतना भारी होता है कि वो उड़कर इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक नहीं पहुंच सकता, और इसीलिए वो ग्रेविटी की थ्योरीज पर अपना काम कर रहे हैं। उनके थ्रू अगर इस दुनिया की ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो हर चीज हवा में तैरने लगेगी, और इसी के साथ ये जो पूरा का पूरा स्पेस शटल है ये भी हवा में तैरने लगेगा, और बस इसे डायरेक्शन दिखाना होगा जहां पर हमें इसको भेजना है। और अगर ऐसा हुआ तो वह इस दुनिया के काफी सारे लोगों को एक ही बार में बचाकर इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक पहुंचा पाएंगे। ये था उनका प्लान नंबर वन, और अगर ये प्लान नंबर वन कामयाब नहीं होता है तो उनके पास में प्लान नंबर टू भी था। वो ये था कि वो एक एस्ट्रोनॉट के साथ में 5000 एम्ब्रियोज यानी कि 5000 भ्रूण भेज देंगे, जिससे कि वो इंसानी जाति को उस नई दुनिया पर फिर से पनपा पाएगा। बैन वहां पर कूपर से कहते कि क्यों ना तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ, हमें वैसे भी काफी पायलट्स की जरूरत है और तुम भी वैसे भी एक पायलट ही हो, तो क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो। और इन बातों को सुनकर कूपर भी उनकी बात मान जाता है, क्योंकि बेसिकली ये दुनिया को बचाने का ही एक पूरा का पूरा प्रयोग हो रहा था। मगर इस बात से मर्फ काफी ज्यादा नाराज होती है। वो अपने पिता से कहती है कि आखिर आप इस स्पेस प्रोग्राम में क्यों जाना चाहते हैं, यहाँ पर जान का जोखिम है, वहां पर आप जाएंगे जरूर इस बात की श्योरिटी है, मगर वहां से वापस आएंगे इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन तब वहां पर कूपर अपनी बेटी को समझाता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें तुम्हारी, मेरी और साथ ही इस पूरी दुनिया की भलाई है, और ये कहकर कूपर वहां से चला जाता है। रात को मर्फ अपने कमरे में ही बैठी होती है और वो उन लाइनों को अगेन देखने लगती है, और सुबह जब मर्फ के पिता कूपर उसके पास में आते हैं उसे बाय कहने के लिए कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तब वहां पर मर्फ कहती है कि मैंने उस मैसेज को डिकोड कर लिया है, उस मैसेज का मतलब है स्टे यानी कि रुक जाओ, कहीं पर भी मत जाओ। मगर तब कूपर मर्फ की बात नहीं मानता और वो वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर जाने से पहले उसके पास में दो घड़ियां होती है, उसमें से एक घड़ी वो मर्फ को दे देता है और बोलता है कि इन घड़ियों में दोनों अलग अलग टाइम है, एक टाइम जो स्पेस के थ्रू बनाया गया है और एक टाइम जो इस धरती के अकॉर्डिंग है। स्पेस में हमेशा टाइम इस धरती के मुकाबले ज्यादा धीरे चलता है, तो अगर ऐसा हुआ कि मैं जब इस धरती पर वापस आऊं तो हो सकता है कि तुम मेरी तरह बूढ़ी हो जाओ और जिस एज में मैं जा रहा हूं शायद मैं उसी एज में वापस आऊं, तुम बस अपना ख्याल रखना। इस बात को सुनकर मर्फ काफी ज्यादा रोने लगती है, और अब यहाँ से कूपर अपने प्रोजेक्ट, अपने मिशन की ओर निकल जाता है। वो अपने रॉकेट में बैठकर सबसे पहले तो उस स्पेसशिप के अंदर पहुंचते हैं। उस स्पेसशिप के बाद के अंदर उसमें से एक छोटा स्पेसशिप एक वॉर्म होल तक पहुंच जाता है। उस वॉर्म होल का नाम होता है गार्गेंडा, और ये वही वॉर्म होल होता है जिसके थ्रू वो उन तीनों के तीनों ग्रहों तक पहुंच सकते थे। ये वही तीन ग्रह थे जिन पर ऑलरेडी इंसान पहुंच चुका था और वहां से सिग्नल भेज रहा था कि ये दुनिया इंसानों के रहने लायक है। अब उनके धरती के जो सबसे करीब प्लैनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लैनेट, और तभी उनकी टीम ये डिसाइड करती है कि हम सबसे पहले इसी प्लैनेट पर जाएंगे। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये जो प्लैनेट होता है ये वॉर्म होल के काफी ज्यादा करीब होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफी ज्यादा होगा। इस ग्रह पर बिताया गया एक घंटा हमारी दुनिया के 7 सालों के बराबर होगा। इस प्लेनेट का नाम मिलर्स प्लेनेट इसीलिए होता है क्योंकि इनके एक साथी का नाम मिलर होता है जो कि वहां पर सबसे पहले गया था, और उसी को बचाने के लिए जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि उसका स्पेस यान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और जो मशीन है यानी कि जो रोबोट सिर्फ वही वहां पर पड़ी थी और उसी का सिग्नल उन्हें बार बार मिल रहा था। वहां पर वो देखते हैं कि उस पूरे के पूरे प्लेनेट पर सिर्फ 2 फुट का पानी होता है, ना ही कोई जमीन और ना ही कोई पहाड़। मगर तभी वहां पर एमिली कहती है कि मुझे दूर कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, मैं वहां पर जाकर चेक करना चाहती हूँ कि क्या वो सब कुछ हमारी दुनिया के मुताबिक है। मगर तभी वहां पर कूपर जब उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई पहाड़ नहीं बल्कि बड़ी बड़ी पानी की लहरें हैं जो सीधा उनकी ओर आ रही है, और तब वो एमिली को चिल्लाता है कि नहीं तुम वहां पर मत जाओ, वापस आओ, वो पानी की लहरें हैं जो हम तक आ रही है। वो तीनों भागकर आकर अपने स्पेस जेट में बैठने की कोशिश करते हैं, मगर एमिली वहीं पर छूट जाती है, तो वहां पर रोबोट भागकर जाता है और उसे बचाकर उस स्पेस जेट के अंदर ले आता है, मगर तब तक उनका एक साथी वहीं पर छूट जाता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी उन्हें पता चलता है कि उनके स्पेस जेट के अंदर पानी भर चुका है, उन्हें वो पानी निकालना होगा तभी उनका स्पेस जेट चल पाएगा।
लेकिन उन्हें ऐसा करने में पूरे 3 घंटे निकल जाते हैं। और जब वो अपने स्पेस जेट के साथ में वापस से अपने मेन यान यानी कि जो इंड्योरेंस होता है वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनका एक साथी जो कि इंड्योरेंस के अंदर उनका वेट कर रहा होता है, अब वो पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि तब तक उन्हें पूरे 23 साल बीत चुके थे। साथ ही वो ये भी बताता है कि मुझे तो लगा कि तुम लोग मर गए होगे, इसी वजह से मैंने तो आज भी छोड़ दी थी कि तुम वापस भी आओगे। वो बताता है कि तुम्हें यहाँ से गए हुए पूरे 23 साल 4 महीने 8 दिन बीत चुके हैं। और साथ ही वो ये भी बताता है कि इन पूरे 23 सालों में आप लोगों के लिए काफी सारे मैसेजेस भी धरती से आए हैं, आप चाहे तो उन्हें चेक कर लीजिए। तभी कूपर वहाँ पर अपने मैसेजेस को देखने के लिए जाता है और तब वहाँ पर उसका बेटा टॉम एक मैसेज अपने पिता के लिए भेजता है कि अब मेरी शादी हो गई और साथ ही मेरा बेटा भी है और मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पिता जिंदा हैं। मगर तब भी कूपर उसकी एज के जितना ही होता है। और साथ ही यहाँ पर उसे अपनी बेटी मर्फ का मैसेज भी मिलता है। इतने सालों में मर्फ ने अपने पिता के लिए सिर्फ एक ही मैसेज रिकॉर्ड किया था और ये मैसेज उसने उस दिन रिकॉर्ड किया होता है जिस दिन उसका बर्थडे होता है, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि मैं उस दिन आऊंगा जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होगा। अब इस समय पर मर्फ की एज भी अपने पिता कूपर के बराबर ही हो चुकी थी। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि मर्फ ने अब प्रोफेसर बेन के साथ में काम करना शुरू कर दिया है। अब वो भी उसी नासा की ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ में काम किया करती है। अब यहाँ पर ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि बाकी बचे 2 प्लैनेट्स में से हमें किस प्लैनेट पर जाना चाहिए। तब वहाँ पर कूपर और साथ ही डॉक्टर बोलते हैं कि हमें मैन के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे स्पेस शटल के पास में ही है। मगर तब वहाँ पर एमिली कहती है कि नहीं, हमें एडमिन के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से आया हुआ डेटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर इंसानी जीवन काफ़ी अच्छी तरीके से पनप पाएगा, इसलिए हमें उसके प्लेनेट पर जाना चाहिए। इंतज़ार करते करते उनका फ्यूल भी काफ़ी ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि हम एडमिन के प्लेनेट पे नहीं बल्कि मैन के प्लेनेट पर जाएंगे और वहाँ जाकर ये पता करेंगे कि क्या वो प्लेनेट हमारे रहने लायक है या नहीं। और अब जब वो लोग मैंस के प्लेनेट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि मैन अपने एक स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा होता है इतने टाइम से। वहाँ पर मैन ये बताता है कि इस ग्रह पर अमोनिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, मगर अगर हम ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, वहाँ पर आराम से हम सांस ले सकते हैं। मगर तभी हमें ये पता चलता है कि उसने काफ़ी टाइम पहले अपने रोबोट को बंद कर दिया था सिग्नल नहीं भेजने के लिए। तो वहाँ पर बाकी लोग पूछते हैं कि आखिर तुमने इस रोबोट को ऑफ क्यों कर दिया, ये तो हमेशा सही जानकारी देता है। लेकिन तब वहाँ पर मैन कहता है कि नहीं, इस रोबोट में कुछ मिस्टेक हुई थी, ये हर बार गलत जानकारियाँ तुम तक पहुँचा रहा था, इसी वजह से मैंने इसे ऑफ कर दिया। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाए जाते हैं प्रोफेसर बेन जो कि अब अपने अंतिम टाइम के अंदर मर्फ से बातें कर रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि मेरी ब्लैक होल वाली थ्योरी और जो ग्रेविटी जिसके ऊपर मैं इतने टाइम से काम कर रहा था वो कभी भी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए मुझे ब्लैक होल का पूरा डेटा चाहिए था जो कि ना तो मुझे कभी मिल सकता है और ना ही मेरे पास अब आने की कोई उम्मीद है। और तभी वो यहाँ पर इस कहानी का प्लॉट रिवील करते हैं। वो कहते हैं कि प्लान नंबर 1 तो जस्ट एक दिखावा था, असली प्लान नंबर 2 था जिसके अंदर हमें 5000 एम्ब्रियोस को एक दूसरे ग्रह पर पहुँचाना था जहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सके क्योंकि ये धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं है। और इसी के साथ ही यहाँ पर प्रोफेसर बेन की डेथ हो जाती है। इस मैसेज को भी मर्फ रिकॉर्ड करके अपने पिता कूपर को भेज देती है और जब कूपर को ये मैसेज मिलता है कि धरती पर प्रोफेसर बेन की डेथ हो चुकी है और मर्फ ये बता रही है कि प्लान नंबर 1 सिर्फ एक दिखावा था, सिर्फ और सिर्फ प्लान 2 ही था जिसके ऊपर उनकी उम्मीदें टिकी थी। हालांकि ये बात एमिली को भी नहीं पता थी कि उसके पिता का प्लान नंबर 1 सिर्फ एक दिखावा था। अब कूपर ही डिसाइड करता है कि वो सब कुछ छोड़कर अपनी पृथ्वी अपने ग्रह पर वापस चला जाएगा, उसे आगे कोई भी काम कंटिन्यू नहीं करना है। और तभी उनका साथी डॉक्टर कूपर को ये बताता है कि जब तुम अपने ग्रह यानी कि धरती पर वापस जाओगे तो ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए जाना और वहाँ पर एक रोबोट को छोड़ देना। इससे होगा ये कि वो रोबोट वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा जिससे कि ब्लैक होल की थ्योरी पर जो प्रोफेसर बेन काम कर रहे थे कम से कम हमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहेगी। अब जैसे ही वहाँ से कूपर और साथ ही मैन बाहर निकलते हैं तब उसे पता चलता है कि मैन ने हम सभी को झूठ बोला है, इस पूरे ग्रह पर अमोनिया ही अमोनिया भरा हुआ है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हम सबको धोखा दिया, उसने हमें ये गलत इन्फॉर्मेशन दी कि ये ग्रह जीवन जीने के लायक है। मगर यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं थी। वो इस ग्रह पर अटक कर नहीं मरना चाहता था, इसीलिए उसने उस रोबोट को भी बंद कर दिया जो कि सही इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहा था और इसी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई भी स्टार्ट हो जाती है। मगर उस मोमेंट पर एमिली आकर उन दोनों को छुड़वा देती है और वहाँ से कूपर की जान बचा लेती है। मगर इसी भागम भाग में वहाँ पर मैन को ये रास्ता मिल जाता है कि वो अपने एक स्पेस जेट में बैठकर एंड्रियोस तक पहुँच पाए और वो ऐसा ही करता है।
वो एक स्पेस जेट में बैठकर सीधा एंड्रयू तक पहुंचने लगता है और अपने जेट को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर इसके अंदर वो सफल नहीं हो पाता और इसी वजह से एंड्रयूज में एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि अब वो उस पूरे स्पेस के अंदर घूमने लगता है। मगर वहीं दूसरी ओर अब कूपर और साथ ही एमिली भी अपने स्पेस जेट के अंदर बैठकर सीधा एंड्रयूज के पास में आने की कोशिश करते हैं और वो अपने जेट को कैसे तैसे करके फाइनली एंड्रयूज के साथ में कनेक्ट कर ही देते हैं। और अब वो यहाँ पर यूज में लेते हैं स्लिंग शॉट वाली थ्योरी को। इस थ्योरी के बारे में हमें ऑलरेडी मंगलयान जैसी इंडियन मूवी के अंदर भी दिखाया गया है। उसके अंदर विद्या बालन ने बताया था कि जिस तरीके से एक कढ़ाई में जब पूरियों को तला जाता है, जब तेल पूरी तरीके से गर्म हो जाता है और पूरियां तलने लगती है, अगर हम उस आग की आंच को कम कर दें लेकिन फिर भी पूरियां तलती रहती है। तो यहीं पर इसी स्लिंग शॉट का यूज करते हुए कूपर और साथ ही एमिली ब्लैक होल के करीब तक पहुंच जाते हैं और वहां से उस तीसरे प्लेनेट की ओर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही एक आखिरी प्लेनेट था जहां से कुछ अच्छे प्रॉमिसिंग और साथ ही ट्रस्टेबल डेटा की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। मगर वहां तक जाते जाते उन्हें पता चलता है कि स्लिंग शॉट इतना पावरफुल नहीं है कि वो पूरी तरीके से ब्लैक होल में हमें भेज पाए। इसलिए फाइनली कूपर ही डिसाइड करता है कि वो अपने स्पेसशिप को उस शटल से दूर कर दे। ऐसा करने के साथ साथ वो अपने रोबोट को भी ब्लैक होल के दायरे में भेज देता है, ताकि वो रोबोट पूरी तरीके से ब्लैक होल का डेटा अपने अंदर समेट के वो धरती पर भेज सके। लेकिन ऐसा करते टाइम उसका उस रोबोट से संपर्क टूट जाता है और वो बहुत ही तेजी से स्पेस के अंदर उस ब्लैक होल की तरफ खिंचा जाता है। और जब वो ब्लैक होल उसे अपनी ओर खींच लेता है तो वो पहुंच जाता है एक फिफ्थ डायमेंशन में, जो कि बनाया होता है एडवांस लोगों ने। ये वो लोग होते हैं जो हमसे भविष्य में, यानी कि हमसे समय में आगे चल रहे होते हैं। वो जगह हमें एक टेसरेट की तरह दिखाई जाती है। इस जगह को बनाने के पीछे मकसद यही था कि भविष्य के लोग वर्तमान के लोगों से कॉन्टेक्ट कर पाए और जो धरती तबाह होने वाली है उस धरती को पूरी तरीके से बचाया जा सके। इस टेसरेट की मदद से अब कूपर अपने समय में आगे और पीछे हर किस्से को देख सकता था। इस टाइम के अंदर जाकर वो अपनी बेटी मर्फ को भी देखता है, जो कि भी बचपन में होती है, यानी कि बहुत छोटी। और तब वो अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ उसे देख सकता है, उससे बात नहीं कर सकता। इसीलिए वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसे बात पता थी कि ग्रेविटी इस पूरी दुनिया, हर गैलेक्सी के हर प्लेनेट पर पाई जाती है। और वो इसी ग्रेविटी का यूज़ करके उन किताबों को गिराता है। और जब उनके घर में धूल आई थी तो उसी धूल से वो बाइनरी कोड्स के अंदर एक मैसेज भी भेजता है, जिसमें वो अपनी बेटी को एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है स्टे, जो कि मर्फ ने अपनी एक नोटबुक में भी लिख लिया था। और साथ ही इस समय तक अब कूपर का अपने रोबोट के साथ में संपर्क भी वापस से बैठ जाता है और उसे ये भी पता चलता है कि उस रोबोट ने उस पूरे ब्लैक होल का डेटा अपने अंदर समा लिया है। अब कूपर ये चाहता था कि इस रोबोट ने जो सारा डेटा अपने अंदर समाया है वो पृथ्वी पर अपनी बेटी मर्फ तक पहुंचा सके, क्योंकि मर्फ भी अब बैन के साथ में काम करके एक बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट बन चुकी होती है। मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो उसे कुछ बता नहीं सकता था। वो देख सब कुछ सकता था लेकिन अपना मैसेज उस तक नहीं पहुंचा सकता था। और तभी उसे मॉर्स कोड की थ्योरी याद में आती है। मॉर्स कोड की थ्योरी में हमें ये पता चलता है कि हम किसी भी हिलने और या फिर झपकने वाली चीज के साथ में अपना मैसेज किसी दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। इस काम के लिए वो किसी घड़ी की टिक टिक या फिर किसी लाइट का ऑन ऑफ और या फिर कोई एक ऐसी चीज जिसके क्लिक के साथ में हम किसी इंसान तक अपना मैसेज पहुंचा सके, ये सारी चीजें मॉर्स कोड के अंदर आती है। और इसी थ्योरी को काम में लेते हुए अब कूपर अपनी सारी डेटा, अपनी सारे इन्फॉर्मेशन को जो घड़ी जो उसने बचपन में अपनी बेटी मर्फ को दी थी उस घड़ी की सुई के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और अब क्योंकि मर्फ भी एक साइंटिस्ट बन चुकी थी, उसे भी मोर्स कोड के बारे में पता होता है, तो जब वो अपने पिता की दीवी घड़ी को लेने के लिए अपने घर में आती है तो उस घड़ी के अंदर उसे टिक टिक कुछ अजीब तरीके से महसूस होती है और वो ये समझ जाती है कि मेरे पिता कूपर ने मेरे लिए एक मैसेज भेजा है। और फाइनली वो उस मोर्स कोड की पहेली को सुलझा कर इस पूरे ब्लैक होल के डेटा को एकदम एक्सप्लेन कर देती है। वो सारे राज, वो सारे पहलू सुलझा देती है जो कि आज तक प्रोफेसर बैन नहीं सुलझा पाए थे। और ऐसा करने पर जो टेसरेक्ट जिसके अंदर कूपर मौजूद था वहां पर से वो गायब हो जाता है और थोड़े ही देर बाद में उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। तब वहां पर वो डॉक्टर से पूछता है कि आखिर मैं कहां पर हूं। तब वहां पर वो कहते हैं कि आप कूपर स्टेशन पर है। उसे ये लगने लगता है कि उसने इस पूरी दुनिया को बचा लिया है, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर ये बताते हैं कि कूपर स्टेशन का नाम आपके नाम पर नहीं बल्कि आपकी बेटी मर्फ कूपर के नाम पर रखा गया है। उसी ने ही फाइनली इस ग्रेविटी की थ्योरी पर काम करके हम सभी को बचा लिया। तब वहां पर कूपर अपनी बेटी मर्फ से मिलने जाता है और तब वो देखता है कि उसकी बेटी काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि उसके माँ पर बिताए गए 3 घंटे यहाँ पर कई साल थे। वो अपनी बेटी से मिलकर काफी खुश होता है।
और वो तब अपनी बेस्ट फ्रेंड एमिली के बारे में भी उससे पूछता है। तब वहाँ पर मर्फ बताती है कि एमिली अब उस ग्रह पर है जहाँ पर उसने जीवन की खोज कर ली है। वो लास्ट प्लैनेट जिसके बारे में आप खोज कर रहे थे, जिसका नाम था एडविंस प्लैनेट, वो जगह पूरी तरीके से इंसानों के रहने लायक है। और तब वहाँ पर कूपर अपने एक स्पेसशिप के साथ में उस तीसरे प्लैनेट पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एमिली से होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। इससे हमें ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा। सो गाइज, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इसी तरीके की और मूवीज़ आपको पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में #audex करके अपनी मूवी का नाम ज़रूर लिखिएगा। आपकी डिमांड की गई मूवीज़ को मैं अगली audex सीरीज़ में लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और इसके बाद में मैं audex सीरीज़ का अगला पार्ट यानी कि पैसेंजर्स आप सभी के सामने बहुत ही जल्द पेश करूँगा। एंड अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।